समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। जैसा कि आपको बता दें कि शास्त्रीपुरम दहतोरा रोड बचत मैदान पर जो भागवत होने वाली है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक, आज उसका भूमि पूजन है। चिन्मयानंद बापू जी आज हवन में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं हवन भी हो रहा है। मेरे साथ में भोलानाथ अग्रवाल जी हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा और युवाओं को किस तरह की प्रेरणा मिलती है धार्मिक आयोजनों से। जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम है? सभी पहले देशवासियों को मीडिया की तरफ से नए वर्ष की शुभ मंगल कामना करते हैं। यहाँ जो दौरता गांव है, चर्चित कन्हैया मैदान बनाया हुआ है, इसमें 11 तारीख को 2100 कलश यात्रा निकलेगी और यहाँ पे 11 तारीख से भागवत का श्रवण प्रसार सीधा किया जाएगा। यहाँ पे जनता को इसका जो हमारा जो कन्हैया भागवत है उसका भागवत होगी 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ प्रसादी का वितरण रहेगा। जितने भी पब्लिक 8 दिन जो भागवत का ज्ञान का बोले करने आएंगे उनको प्रसाद जरूर ग्रहण करना है उनको। और हम जनता को जितने भी हमारे आगरे के अंदर हैं, हर जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बापू जी का संदेश पहुंचाया जाएगा कि जो व्यक्ति आजकल कहना है उससे पूजा पाठ से बच्चे भैया जो आने वाली पीढ़ी है वो अब उनको पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, उनको सब बाबू जी के मुखारविंद द्वारा सबको एक ज्ञान का नाम अमृत भाई जाएगी। गलत कार्यों की ओर जा रहे हैं, गलत शौक मौज लोग लगे हुए हैं आज की युवा पीढ़ी में, तो उनको एक किस तरह का आप मैसेज संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो धार्मिकता की ओर रुझान हो उनका, आध्यात्मिक की ओर रुझान हो उनका और इस तरह के कार्यक्रमों में वो पार्टिसिपेट करें, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? जो हमारा भागवत अलग अलग क्षेत्र में करने का जो संदेश चल रहा है उसके संदेश के द्वारा ही सबको जितनी भी पीढ़ी आने वाली हो उनको भागवत के द्वारा ही उनको संदेश दिया जाएगा कि हमको इधर उधर न गंदे क्या नाम है या कोई उल्टी ऊंची चीज न करने के, जो भागवत के द्वारा उनको अच्छे अच्छे संदेश दिए जाएंगे कि सभी जितने भी पीढ़ी है सब अपने पूजा पाठ में और यज्ञ ज्ञान के अंदर अपना ध्यान दें। धन्यवाद अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए। मैं बोलना तक रहा आपको धन्यवाद देते हैं और सबको पब्लिक को यही दें कि 11 तारीख से लेके जितने भी अपने कहना मीडिया द्वारा सबको घर पहुंच रही है वो 11 तारीख से लेके 17 तारीख का इस मैदान में सुबह 1 बजे से लेके 5 बजे तक डटे अमृत का ज्ञान गुण ले रहे। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में भोलानाथ अग्रवाल, जिन्होंने जनता से अपील की है कि बचत मैदान दहतोरा शास्त्रीपुरम आगरा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक भागवत कथा का रसपान करें। और आपको बता दें कि राष्ट्र संत चिन्मयानंद बापू जी इस भागवत कथा को अपने मुखारविंद से कहेंगे, तो उम्मीद यही करते हैं कि इस भागवत कथा में युवा हो, बुजुर्ग वर्ग हो और खास करके जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग शायद भागवत कथा में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उम्मीद यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होंगे और बापू जी की के मुखारविंद से इस भागवत कथा का रसपान करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। समाज सेवा में समर्पित विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के द्वारा आगरा के पावन धरा पर विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान दिनांक 11 से 17 जनवरी 2018 समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम आगरा। विशेष
प्रतिदिन कथा के बाद विशाल भंडारे का भव्य आयोजन एवं कथा के साथ साथ नित्य सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा, जैसे वृक्षारोपण, हेलमेट वितरण, गरीब महिलाओं को अनाज एवं कपड़ों का वितरण एवं स्कूली बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण, गायों की रक्षा हेतु एवं पर्यावरण रक्षा हेतु समाज को जागृत करना इत्यादि। श्री मुरारी लाल गोयल, मैनेजिंग ट्रस्टी, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट, हरिद्वार।